चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है और जब चाणक्य उनको बोलते कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, तब चंद्रगुप्त बोलता है, आचार्य कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं, तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर IAS बनने के लिए IPS बनने के लिए सैक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको IAS IPS मिल जाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल एडुकेटेड इंडिया में। तो दोस्तों, यदि आप भी 8वीं 10वीं या 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है आप और चाहते हैं सरकारी नौकरी दोस्तों, तो दोस्तों जरूर जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर दिन लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जो भी आती है वो आपको पता चलती है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज को बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे की तरफ से आ रही 18,000 पदों पर रिक्तियों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर यदि आप कक्षा 10वीं या फिर 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएशन पास है, तो जरूर जरूर आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है और इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से मैं आपको इस डिटेल के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ दोस्तों, कि क्या एज क्राइटेरिया, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या फीस और क्या इसमें सारा कुछ डिटेल बताऊंगा वीडियो को मैं। तो दोस्तों जरूर जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार आए हैं और चाहते हैं सरकारी नौकरी, तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों यहां पर 18,000 पदों पर यहां पर वैकेंसी निकली है दोस्तों। यहाँ पर फुल डिटेल में बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे रिक्रूटमेंट 2020 नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 18,000 पदों पर आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑनलाइन फॉर्म 2020। यहाँ पर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों टेक्निकल वैकेंसी है। यदि आप यहाँ पर कक्षा 10वीं पास है तब भी आप यहाँ पर एप्लीकेबल है और अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम फीस की बात की जाए तो ₹100 आपका एग्जाम फीस रहेगा, जो कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन माध्यम से दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक्चुअली फॉर्म आपका ऑनलाइन निकलेगा या ऑफलाइन इसका कोई अभी बताया नहीं है, लेकिन ये फॉर्म निकलने वाला है दोस्तों। चांस है कि ऑफलाइन आपका ये फॉर्म निकलने वाला है दोस्तों। तो आप लोग ऑफलाइन माध्यम से जैसे कि DD होता है दोस्तों, यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। यदि आप SC ST या OBC है तो दोस्तों आपको यहाँ पर छूट मिलेगी दोस्तों, और आपको फीस पेमेंट नहीं करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं करना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन का। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन से आपका एप्लीकेशन जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। लास्ट डेट आपको 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से 45 डेज तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका रहने वाला है 21/3/2021 को, मतलब कि आप इसके लिए रेडी हो जाइए एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हैं और भरना चाहते हैं, जरूर जरूर आप इस एग्जाम के लिए फिर आप मुझे कमेंट करके बोलिए दोस्तों कि आपको सिलेबस सही चाहिए या एग्जाम पैटर्न चाहिए इसका, तो जरूर जरूर मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। दोस्तों इसका जो पब्लिश होगा रिजल्ट आपका वो 2021 में आपका पब्लिश किया जाएगा, टेंटेटिव डेट है दोस्तों। तो आप लोग घबराइए मत, इसके बारे में फुल डिटेल जब भी जो भी डिटेल आती है आप तक जरूर से जरूर हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो जरूर जरूर सब्सक्राइब बटन दबा दें, ताकि आपको जब भी जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर 21 से 40 वर्ष के नवयुवक इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। रिमेनिंग पोस्ट मतलब कि जैसे रोड इंजीनियर और MTS पोस्ट के लिए 21 से 30 वर्ष के नवयुवक यहाँ पर एप्लीकेबल है। और एज इलेक्शन की बात की जाए तो OBC SC ST को जैसे आप जानते हैं SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, और साथ में PH कैंडिडेट को 10 वर्ष की छूट मिलती है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं डिटेल की। तो रोड इंजीनियर के BTEC या फिर BE या आप किए हुए सिविल इंजीनियर से, तो रोहित 50% मार्क्स, तो आप एप्लीकेबल हैं। टेक्निकल पोस्ट के लिए ITI यदि आप किए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप बिल्कुल एप्लीकेबल हैं। और MTS पोस्ट के लिए यदि आप 10 पास है विद 50% मार्क्स, तो आप बिल्कुल इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं MTS पोस्ट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग मिस मत करिए इस वैकेंसी को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए इस वैकेंसी को, ताकि वो लोग भी जान सके और सबको इस फॉर्म को भर पाए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी के लेटेस्ट अपडेट जानते रहने के लिए, तो जरूर जरूर आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं LatestJobOnline.com पर। यहाँ पर आपको हर दिन लेटेस्ट जॉब की हर एक डिटेल मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर अप्लाई आपका रिलीज सून किया जाएगा, आप यहाँ से नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर जरूर हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद जय भारत।